सुप्रभात बच्चों, स्वागत है सभी का दूसरी कक्षा में। तो कल के क्लास में हमने क्या देखा है, सबसे अच्छा मित्र को, इसके तीन क्वेश्चन देखे हैं, है ना। तो आज क्या करेंगे, आज बाकी के जो दो है और किसने किससे कहा, हाँ ये प्रश्न हम आपको देखेंगे। तो चौथा प्रश्न है, विश्वास के अनुसार मित्र कैसा होना चाहिए। विश्वास के अनुसार, विश्वास एक लड़का है उस क्लास का, तो उसके अनुसार सबसे अच्छा मित्र कैसा होना चाहिए। हाँ यह प्रश्न है। तो कैसा होना चाहिए विश्वास के अनुसार, विश्वास ने क्या बताया था अपने टीचर को, अपने शिक्षक को क्या बताया था, कि जो अपना काम समय पर करता हो और जो दूसरों की हमेशा मदद करता हो, ऐसा मित्र होना चाहिए। तो उत्तर हम लिखेंगे, जो अपना काम, उत्तर लिखेंगे यहाँ पर, जो अपना काम, जो अपना काम समय पर, समय पर करता हो और हमेशा हमेशा अपने मित्रों की मदद करता हो, मदद करता हो ऐसा मित्र होना चाहिए। तो प्रश्न क्या था, विश्वास के अनुसार मित्र कैसा होना चाहिए। तो क्या है उत्तर, जो अपना काम समय पर करता हो और हमेशा अपने मित्रों की मदद करता हो, ऐसा मित्र होना चाहिए, ऐसे विश्वास ने कहा था। बाद में पांचवा है, समान मित्र के अनुसार अच्छे मित्र के कौन से गुण होने चाहिए। समान मित्र के अनुसार अच्छे मित्र के कौन से गुण होने चाहिए। तो क्या कहा था समान मित्र में, हाँ कि किसी से गुस्सा नहीं होना चाहिए और मधुर बोलना चाहिए। हाँ तो समान मित्र के अनुसार उत्तर है, गुस्सा नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए और मधुर बोलने वाला, मधुर
बोलने वाला चाहिए। मधुर बोलने वाला चाहिए। देखो प्रश्न क्रमांक पांचवा क्या है, सवाल के अनुसार अच्छे मित्र में कौन से गुण होने चाहिए। तो कौन से गुण होने चाहिए, समर्पित के अनुसार अच्छे मित्र को किसी से गुस्सा नहीं होना चाहिए और मधुर बोलने वाला चाहिए। तो यह अच्छे मित्र के गुण किसके अनुसार है, समर्पित के अनुसार है। समर्पित मतलब उनके क्लास का एक लड़का। Okay. तो अभी है किसने किससे कहा, अगला प्रश्न है किसने किससे कहा। तो पहला क्या है, एक प्रश्न मुझे नहीं समझ में आ रहा था। एक प्रश्न मुझे ना समझ में नहीं आ रहा था, किसने कहा था, विश्वास ने अपने अध्यापक से कहा था। विश्वास ने अध्यापक से कहा, किसने कहा, विश्वास ने कहा, किससे कहा, अपने अध्यापक से कहा। मतलब अध्यापक मतलब टीचर, विश्वास ने अपने अध्यापक से कहा। तो उत्तर लिखना है हमें, विश्वास ने अध्यापक से कहा। विश्वास ने अध्यापक से कहा। दूसरा है, इस प्रकार मधुर बोलकर तथा बहुत सोच समझकर काम करता है। इस प्रकार बहुत मधुर बोलकर तथा बहुत सोच समझकर काम करता है। किसने कहा, अभी हमने आंसर में लिखा है, किसने कहा, समर्पित ने अपने अध्यापक से कहा। इसने कहा, समर्पित ने कहा, किससे कहा, अपने अध्यापक से कहा। तो उत्तर लिखना है, समर्पित ने अध्यापक से कहा। तीसरा है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, किसने कहा, अध्यापक ने छात्रों से कहा या बच्चों से कहा। क्या लिखेंगे, अध्यापक ने छात्रों से कहा। उत्तर क्या है, अध्यापक ने कहा। देखो, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, किसने कहा, अध्यापक ने कहा, टीचर ने कहा। हाँ, किससे कहा, अपने बच्चों से कहा, क्लास के बच्चों से या छात्रों से कहा। हाँ, तो यह हो गए किसने किससे कहा। तो यहाँ पर लिखित कार्य और प्रश्न उत्तर और किसने किससे कहा यह क्या हो गए, खत्म हो गए है। तो ये दोनों प्रश्न क्या करती हूँ, मैं अभी पढ़ती हूँ दोनों प्रश्न और किसने किससे कहा। देखो प्रश्न क्रमांक चार है, विश्वास के अनुसार, विश्वास के अनुसार मित्र कैसा होना चाहिए। हाँ, विश्वास के अनुसार
इस प्रकार मधुर बोलकर तथा बहुत सोच समझकर काम करता है। इसने कहा समर्पित ने अध्यापक से कहा, इसने कहा समर्पित ने कहा, इससे कहा अध्यापक से कहा। तीसरा है मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, इसने कहा अध्यापक ने बच्चों से कहा, अध्यापक ने बच्चों से कहा। सो ये हो गए आपके लिखित कार्य और किसने किससे कहा। सो ये क्या करें आपको, ये है आपका ऐसा क्लास वर्क, तो अपने नोटबुक में ये लिखना है। ओके, ये क्या करें आपने होमवर्क के तौर पर इसमें नोटबुक। होमवर्क वन टाइम तो ये क्या करो आप अपने नोटबुक में लिखो। ओके, सो आज के लिए इतना ही काफी है। आगे के जो बहुविकल्पीय प्रश्न वगैरह है वो हम कल की क्लास में देखेंगे। सो आपको क्या करना है, ये पढ़ते पढ़ते लिखना है। हाँ, आपको पढ़ते पढ़ते ही क्या करना है, लिखना है। अगर आपको पढ़ना लिखना डिफिकल्ट हो रहा है तो आप थोड़ा अपने मम्मी के पास जाके बैठो और मम्मी मुझे थोड़ा ये पढ़ाओ ऐसे बोलो। ओके, सो आज के लिए इतना काफी है। आगे कब आगे हम कल की क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।